नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पांच के प्रहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज पांच के प्रहार का मुद्दा है कांवड़ का रास्ता नाम का वास्ता। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर मुजफ्फरनगर में खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट को अनिवार्य कर दिया, कंपल्सरी कर दिया। हालांकि इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। अब राजस्थान में भी सावन के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग उठी है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि सावन के सोमवार पर मांस मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी सही पहचान से, सही नाम से व्यापार कर, जो नाम है वो अपनी दुकानों पर, ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर चस्पा कर दें। दुकानदार अपने नाम को लगाएं। और बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान सरकार से उत्तर प्रदेश जैसा आदेश लाने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह विकास की राजनीति नहीं है। बाबा की इस मांग से सियासी माहौल गर्मा सकता है, चर्चा आज इसी पर करेंगे। पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में उठी सावन में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग। बाल मुकुंद आचार्य की मांग, कांवड़ के दौरान कारोबारी असली पहचान से करें व्यापार। हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या चीज क्या नाम से वो अपना काम कर रही है बताएं सच। बाल मुकुंद की अपील, सही नाम से करें व्यापार, इसमें नहीं कोई गलती। बाल मुकुंद बोले, सावन के सोमवार पर मांस मदिरा की दुकानें हो बंद। उन दिनों में कांवड़ यात्राओं के समय में उस मार्ग में मदिरा की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रहे, ये मेरी मांग रहेगी। कांग्रेस ने कहा ये विकास की राजनीति नहीं। ये जो राजनीति कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति किसकी हो रही है? राजनीति सिर्फ इसकी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम कर करके किस तरह से आम आदमी को ये उनके दिमाग को खराब कर सके। कांवड़ का रास्ता नाम का वास्ता। आज हमने करते हैं प्रतीक सिंह सोलंकी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रतीक जी। शैलेंद्र गुर्जर जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बीजेपी से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका भी। शैलेंद्र गुर्जर, पहला सवाल मेरा आपसे, बाल मुकुंद आचार्य की इस मांग का बीजेपी, इस मांग का राजस्थान इकाई की भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, खंडन करती है, या फिर आप उनको उनका ये निजी बयान मानते हैं? देखिए रविंद्र जी, जब तक भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं आ जाता तब तक आप देखिए कि जो उन्होंने बात कही है वो सावन का महीना, जो एक बहुत ही पवित्रता का महीना होता है, त्याग तपस्या तप का महीना होता है, और उसके उसमें शुचिता बनाए रहे, जिस तरह से धार्मिक शुचिता बनी रहे उसको लेकर लाग लपेट कर बोल रहे हैं। मैं सीधा पूछ लेता हूं, अगर आमिर आम की दुकान एक ठेले वाला लगा लेता है या फिर एक अमर आम की दुकान वो ठेले पर लगा लेता है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा ग्राहक पर और व्यवस्था पर? नहीं नहीं पहली बात रविंदर जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो उसमें पहचान छुपाने की आवश्यकता क्या है? आप जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति के नाम से करिए ना। पहचान छुपाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करनी हो, कहीं फ्रॉड करना हो, या कोई आपके और दूसरे मंसूबे हो। तो सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करूंगा सारे भारत के वासियों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हो, कि अगर कोई भी व्यापार करना हो या किसी भी तरह का काम करना हो तो आप अपना नाम पता नहीं छुपाएं। और ये तो एक नियम भी है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप कहीं शॉप खोलते हैं तो एक शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत वहां आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर कोई आप संस्था चलाते हैं वहां पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। दुकानों में लाइसेंस दिए जाते हैं, वहां बकायदा उसमें नियम बना हुआ है कि प्रोपराइटर का नाम आता है, लाइसेंस नंबर लिखा जाता है। तो हां प्रतीक जी, आपके पास आता हूं 2011 के नियम का उल्लेख कर रहे हैं आप शैलेंद्र गुर्जर जी। ये 2011 में मनमोहन सिंह जी की यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, इसमें जो पहला ही पॉइंट था, फूड बिजनेसेस ऑपरेटर्स शैल
डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस ग्रांटेड इन फॉर्म सी शेल एट ऑल टाइम्स एट अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द प्रीमिसेस। मतलब जो लाइसेंस की प्रति है हर वक्त अपने प्रीमिसेस में आप लगाकर रखे, लाइसेंस में लिखा होगा क्या नाम आपका है, किस नाम से ये रजिस्टर्ड है। तो अगर इस नियम को, इस कानून को जो मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार के वक्त में लाया गया था, अगर इसको इंप्लीमेंट करने की बात उत्तर प्रदेश में की जा रही है और इसको और माइक्रो लेवल पर ले जाकर ठेलों वालों पर, फेरी वालों पर, खोमचे वालों की दुकानों पर भी कहा जाता है कि भैया लगाकर रखिए, आप राम हैं, रहीम हैं, गुरनाम हैं या थॉमस हैं, दिक्कत क्या है? रविंद्र जी, सबसे पहले तो जो आपने उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया तो उसी में बता देता हूं कि इनके जो साथी हैं एनडीए के आरएलडी, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है रामाशीष राय, वो निपट लेंगे, बोला है वो आपस का मामला है, वो कर लेंगे, उन्होंने बोला है तो वो अपने संविधान के अनुसार नहीं है, उसका बदलाव होना चाहिए। अब आपकी बात पे आ जाता हूं। मुझे आप एक भी रेस्टोरेंट, एक भी दुकान, एक भी कोई भी संस्थान आप ऐसा बता दीजिए जहां पे लाइसेंस लिखे हुए नहीं होते हैं। ये दो हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा और आरएसएस। जैसे 1937 के अंदर इनके सावरकर ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत ये मानते थे और आज फिर ये दो राष्ट्र बनाने की राह पर चल पड़े हैं। आप मुझे बताइए इनकी सामंती सोच कैसी है। बाल मुकुंदाचार्य जी जो ये कह रहे हैं कि असली नाम लिखना चाहिए, वो खुद अपना असली नाम नहीं बताते, उन्होंने खुद ने अपना नाम बदल करके बाल मुकुंदाचार्य रख लिया है। उनका जो असली नाम है वो तो संजय शर्मा है। और उनकी सामंती सोच ये भी बताती है कि उनके ऊपर दिसंबर 2023 के अंदर एक SC ST का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें बेचारे दलित की जमीन इन्हीं बाल मुकुंदाचार्य जी ने हत्या ली थी। तो ये इनकी सामंती सोच है। किस साल की बात बता रहे हैं? ये नहीं चाहते। ये किस साल की बात बता रहे हैं? मैं तो ये तो 2023 की, 2023 की सरकार अभी थी उस टाइम राज्य में, दिसंबर किसकी सरकार, बीजेपी की सरकार थी 2023 का है इस्तगासे से। हाँ। क्योंकि थाने ने FIR दर्ज नहीं की थी तो अच्छा। इस्तगासे के थ्रू FIR दर्ज करानी पड़ी और नाम भी बता देता हूँ, सूरजमल रेगर ने कोर्ट से इस्तगासे से इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी क्योंकि सरकार आ गई थी नहीं, तो FIR मतलब नहीं, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब 2011 में जो सरकार की तरफ से कानून आया था कि भाई आपको लाइसेंस लगाना है अपनी दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर अपने नाम के साथ, वो सही नहीं है, उसे दो भारत बन जाएंगे। मैंने ये कहा, मैं ये कह रहा हूँ लाइसेंस कौन नहीं लगाता आप मुझे बता दीजिए, कौन नहीं लगाता? आपके पास में हमदर्द का रूह अफजा हम सभी के घरों में आता है, क्या उस पर लिखा हुआ आता है क्या कि जो उसका मालिक है वो मुसलमान है या उसके मालिक का नाम लिखा हुआ आता है क्या? आपका मैं News 18 राजस्थान देख रहा हूं, इसके ऊपर क्या इनके मालिक का नाम लिखा हुआ आ रहा है क्या? आपके ऑफिस में बिल्कुल लगा हुआ होगा लाइसेंस, लेकिन नहीं आ रहा ना। और ये संविधान के जो आर्टिकल 17 है वो हमें ये आजादी देता है कि हम किसी भी नाम से कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो हिंदुस्तान बनाने की बात चल रही है, जो इनके सामंती सोच है, ये गुर्जर जी क्या दो हिंदुस्तान बनाने की कोशिश है बीजेपी की सामंती सोच के जरिए, इसीलिए ये सारी बातें हो रही है। दो हिंदुस्तान तो कांग्रेस पार्टी ने, के जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बना दिए थे, धर्म के आधार पर देश के टुकड़े कर दिए थे। किस तरह से जो गौ माता के लिए आंदोलन कर रहे थे, गौ रक्षकों पर गोलियां चला दी थी, किस तरह प्रभु श्रीराम के अयोध्या मंदिर पर किस तरह से कार सेवकों गोलियां चलाई गई, पूरा हिंदुस्तान जानता है, भारत की जनता जानती है। यह सर्टिफिकेट इनसे देने की जरूरत नहीं है। और मैं इनको बता दूं कि यह प्रोपराइटर का भी नाम लिखा जाता है, लाइसेंस के साथ साथ प्रोपराइटर का नाम लिखा जाता है कि इसका मालिक कौन है। नहीं, उनका यह कहना है कि जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं, जो नहीं, मैं बता रहा हूं प्रतीक जी के सवाल को थोड़ा सा और सुलझाकर, उनका यह कहना है कि जो प्रतिष्ठान हैं, जो ईंट की दीवारों के अंदर जो दुकानें हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ये लागू होता है, ये ठेले वाले, खोमचे वाले, रेड़ी वाले, पटरी वाले, ये उन पर लागू नहीं होता है। जो कच्ची दुकान जो लगाते हैं उन पर ये लागू नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, क्यों प्रतीक जी? यही है ना रविंदर जी, ये एक प्रशासनिक, रविंदर जी कह रहा हूं मैं न्यूज 18 राजस्थान देख रहा हूं, तो क्या यहां पे न्यूज 18 राजस्थान के जो मालिक है उनका नाम डिस्प्ले हो रहा है? अरे न्यूज 18 निश्चित तौर पे जो लाइसेंस की कॉपी होगी वो आपके ऑफिस में होगा, वो होगा आपके ऑफिस में निश्चित तौर पे। लेकिन ये हमें आर्टिकल 17 है, ये जो ये हमें स्वाधीनता देता है, ये हमें बिल्कुल इस तरीके की आजादी देता है कि पूरा हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम से व्यापार कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। किसी भी नाम से कैसे कर सकता है प्रतीक जी? ऊपर लिखा हुआ रहता है क्या? नहीं प्रतीक जी, किसी भी नाम से कैसे कर सकता है? अपना असली नाम तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है, अपनी कंपनी का फर्म का नाम लिख दे वो, लेकिन ठेले पे लिख दे कि हाँ लंगड़ा क्वालिटी आम लिमिटेड, लेकिन उसको अपना प्रोप्राइटर का नाम तो बताना पड़ेगा, वो आमिर है कि अमर है।
रविंदर जी मेरी को एक बात बता दीजिए, विप्रो के प्रोडक्ट आप भी बहुत सारे खरीदते होंगे। अरे आप यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट की बात करके, आप अजीत प्रेम जी का नाम लेने आए थे क्या? होटल की जो है उसकी बात कीजिए ना, लेने आए थे, वहां पे लिखा हुआ होता है क्या नाम? आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? दो हिंदुस्तान बनाने का जो बीजेपी का एजेंडा है आप उसको सपोर्ट करते हुए? नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपसे तर्क चाह रहे हैं, हम आपसे तर्क पूछ रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था लाइसेंस बनाने की है तो फिर आप मुझे ये व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? और दो हिंदुस्तान कैसे बन रहे हैं? स्वामी बसवंतारण जी, स्वामी बसवंतारण सरस्वती जी का भी स्वागत करता हूं। आप प्रवक्ता हैं, राजस्थान संत प्रमुख संघ विचारक हैं, और अब्दुल लतीफ साहब आरको भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सचिव हैं AIMC के। मैं स्वामी बसवंतारण सरस्वती जी आपसे सवाल करता हूं और पूछना चाहता हूं कि जो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की तरफ से बात रखी गई, क्या आपको लगता है कि सावन के दिनों में ये व्यवस्था की जानी चाहिए? और दूसरी बात, सोमवार के दिन पूरे प्रदेश में मांस और मदिरा की दुकानों को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर ऐसा है तो फिर 365 दिन ही क्यों व्यवस्था ना की जाए? भाई कभी ईद होती है, कभी दिवाली होती है, कभी होली होती है, कभी भाई दूज होता है, कभी अंबेडकर जयंती होती है, परशुराम जयंती होती है, पता नहीं क्या क्या होता है हमारे पूरे देश में, तो चलते ही रहते हैं त्यौहार। तो 365 दिन व्यवस्था होनी चाहिए, नाम लिखना चाहिए 365 दिन ही? प्रश्न ये कहां है? प्रश्न तो ये है सर कि किसने क्या कहा वो महत्व का नहीं है, परंतु तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन बताने में तकलीफ क्या है? आप जो है वो मार्केट के अंदर नाम लिखने में क्या तकलीफ है? इससे कोई मुझे नहीं सेंस लगता है कि इस प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है। सवाल ये होता है कि जब धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं वो हमारी एक विचारधारा है कि भाई हर धार्मिक अनुष्ठान कोई भी काम कर सकता है, तो वहाँ से जो रास्ता पासिंग हो जाए उस पासिंग के समय में उसका आइडेंटिफाइड होता है, कभी कोई बहुत अच्छी बात है स्वामी बसंतारण जी कही, तो कम से कम पहचान छुपाने पता लगता है। लेकिन सर मैं एक बात समझना चाहता हूँ, पहचान क्यों छुपाने? मैं आपसे समझना चाहता हूँ, पहचान छुपाने से क्या फायदा होगा? हाँ जी जी, पहचान अगर आप सामने ला देते हैं तो उसका फायदा क्या होगा समाज को? फायदा अगर मतलब मैं सीधा पूछता हूँ आपसे, मैं सीधा पूछता हूँ, मैं जो बार बार वही उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर अमर आम बेचने वाले की दुकान होगी तो वहां से सलीम और सलमान के आम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आमिर आम वाला होगा तो वहां पर राम और श्याम को आम नहीं खरीदना होगा या नहीं खरीदना चाहिए, बताइए? नहीं नहीं, खरीद तो किसी से जो सस्ता देगा उससे खरीदना चाहिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सवाल प्रश्न ये होता है कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बताने से हमें नुकसान क्या है? हम जो है जिस जगह पर है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, उसमें लिखने में क्या है? अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि इसमें मुसलमान और हिंदू का क्या प्रश्न आता है, परंतु जहाँ जब राइट्स बनते हैं या कोई इस प्रकार की घटनाएं बन जाती है उस समय में उसको आइडेंटिफाइड होता है तो फायदा होता है। सवाल तो ये है कि आज इन्होंने कानून बनाया, ये कानून तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था कि अपने दुकानों पर नाम भी लिखना चाहिए, लाइसेंस नंबर भी लिखना चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए थी, परंतु ये देरी हुई है, ये तो सत्य है। प्रश्न ये नहीं है कि अभी जो धार्मिक अनुष्ठान आ रहे हैं इस समय के अंदर शांतिपूर्वक, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे किसी भी धर्मावलंबी का हो, उस कार्यक्रम के लिए शांति से मार्ग को प्रशिक्षित करना जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं कि ऐसी व्यवस्था करने से, नाम लिखने से करनी चाहिए ना सर, फायदा क्या होगा समाज नाम को, लिखने से नुकसान क्या मिलेगा, सा हासिल क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, तो हासिल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है ना? सवाल ये है कि सर उससे फायदा इतना ही होने वाला है कि आपकी सर्वेक्षण हो जाएगा कि भाई ज्यादा अधिकतर कौन है, अधिकतर किस प्रकार के लोगों का वहां पर मोटिवेशंस है, किस प्रकार की व्यवस्था कहां पर हो रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। परंतु जब जब कई क्राइम्स हो जाते हैं उस समय में जो खाली हिंदू पर नाम उछले जाते हैं और मुसलमान लोग इस प्रकार के दंगे में कहते हैं कि हमारे को नुकसान हो, हमारा नुकसान है, आइडेंटिफिकेशन होगा तो लोग शांति से वहां से पसार हो जाएंगे। ओके, अब्दुल लतीफ आरको साहब बताइए, ये कानून पहले बन जाना चाहिए था? देखिए ये कानून, इसकी कहीं जरूरत नहीं है, ये जबरदस्ती नफरत फैलाने के लिए कानून बन रहा है, इसकी कहीं जरूरत नहीं है। आज भी रामलाल 10 ठेले लगा रहा है साहब, ये बताइए, और 10 के 10 मुसलमान सेल्समैन, इससे तकलीफ क्या हो रही है? सेल्समैन अपना नाम लिखेगा या राम गोपाल का नाम लिखेगा, ये बताए आप? 10 ठेले लगा रहा है राम गोपाल, कोई भी हो नाम, और सेल्समैन है, अब कौन किसका नाम लिखे बताओ आप? ऐसे 50 नजीर मिल जाएंगी आपको कि जहां पर आपको मुस्लिम है, मालिक हिंदू है, ये गाय का गोश्त जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं
ये मुस्लिम नाम से कर रहे हैं, मालिक हिंदू है, क्या कर लेंगे आप? कोई एक मामला है स्वामी बसंतारन जी, ये हजारों मामले हैं। एक एग्जांपल ये नफरत बांटने के लिए एक एग्जांपल ये सारी योजना बना रहे हैं। हिंदुस्तान का हिंदू पब्लिक जान चुकी है, उसको बेचेगा पब्लिक समझ चुकी है, राष्ट्र माता मानता है, बीजेपी के पास राष्ट्र माता मानता है, राष्ट्र माता मानने वाले का गोश्त इनका काम बचे रह गया। तो ऐसी सूरत में या दूसरा फिर इनका काम ये है कि ये इस तरह के नाम ओपन करके बहुत लोगों को जब दंगे कराएंगे और उन नामों को लिखेंगे, अगवा करने का षड्यंत्र को जलाएंगे, उन मकानों को जलाएंगे, जिनका नाम लिखा है इनकी नीयत का कोई भरोसा नहीं है कि इनकी नीयत क्या है, क्यों लिखवाना चाहते हैं ये? इसीलिए लिखवाना चाहते हैं कि हमारी बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान के हिंदुओं की नीयत बहुत सही है। आप आइडेंटिफिकेशन छुपा कर जो काम कर रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, वो सबसे बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हो। आप तो खेल खेल रहे हो, मैं तो ऐसे भी लोगों बताओ कि मुसलमान बादशाह बन के कोटा के अंदर बच्चे को भगा के ले गुर्जर जी। मैं आपको ये सवाल जानना चाहता हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब जो देश की राजस्थान की रही है, अभी ताजिए समाज की तरफ से निकाले गए, उसमें राजा की तरफ से हर साल चांदी और सोने की ताजिए निकाले जाते हैं, कांवड़ जो बनाए जाते हैं तैयार किए जाते हैं, उसमें में अलग अलग धर्म के मुस्लिमों के हाथ लगते हैं बनाते हुए। तो आपको लगता है कि अगर ये व्यवस्था जो बाल मुकुंदाचार्य की तरफ से कही गई है, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लागू की गई है, उससे धार्मिक भावना आहत होगी, गंगा जमुनी तहजीब को असर पड़ेगा उससे? और रविंद्र जी ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो प्रशासनिक आदेश यूपी सरकार के मुजफ्फरनगर जनपद में निकाला गया है वो एक सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े, भाईचारा बना रहे, सामाजिक समरसता बना रहे, क्योंकि ये पहले देखे गए। उदाहरण दीजिए, काल्पनिक उदाहरण दीजिए, कैसे बिगड़ सकता है सामाजिक सौहार्द? मैं दे रहा हूं रविंद्र जी, जैसे पिछले सालों में वहां के डीआईजी जो मुजफ्फरनगर जनपद के हैं उनका स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि पिछले सालों में जो कावड़ यात्राएं निकली हैं उसमें हमको ये विवाद देखने को मिला था कि जिन ढाबों पर उन्होंने खाना खाया वहां बहुत जबरदस्त गंदगी थी, जिस तरह का खाना मिलना चाहिए था वो खाना अलग तरह का परोसा गया, स्वाद अलग था। बताइए, ये एक बहुत धार्मिक पवित्र महीना है जिसमें व्रत उपवास रखे जाते हैं, बहुत सी चीजों का परहेज होता है, प्याज लहसुन तक छोड़ दिए जाते हैं, और वहां अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो आप देखिए निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा सामाजिक संप्रदाय के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती है। इसीलिए यह एक प्रशासनिक ऑर्डर निकाला गया है ताकि यह प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा सके और फिर कहीं भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं। प्रतीक सिंह सोलंकी जी ने तर्क दिया था शयन गुर्जर की तरह, इसमें एक बात और मैं जोड़ देता हूं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि एक घर के अंदर भी हमने अक्सर यह देखा है कि परिवार के बड़े बूढ़े बुजुर्ग या कुछ लोग जो हैं वो अंडा या फिर मांस नहीं खाते हैं, उनके बर्तन बाकी अगर नई जनरेशन खाती है तो उनके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, उनको रसोई में ना बना के छत पे या कहीं बाहर जाकर बनाते हैं। तो घर के अंदर अगर ये व्यवस्था अगर कहीं बनती है तो फिर इस तरह की अगर व्यवस्था कही जाने की बात कही जा रही है, भाई ऑप्शन दे दिया आपको, आपको जहां खाना है खाइए, जहां से सामान लेना लीजिए, जहां सस्ता मिले, जहां सफाई लगे या जहां गंदगी में खाना है गंदगी में खाइए, पारदर्शिता लाने की बात कही जा रही है। प्रतीक जी, रविंद्र जी, आपकी बात से इत्तेफाक रख लेता हूं मैं, चलिए कि खाना बन रहा है वहां पे, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन जो केला बेच रहा है, जो आम बेच रहा है, जो अमरूद बेच रहा है, वो तो अपने घर पे बना नहीं रहा, और अगर वहां पे अगर आप नाम टंगवा रहे हैं कि आप शुद्र हैं या आप दलित हैं या आप मुसलमान हैं, अपना नाम लिखिए वहां पे, तो ये क्या दो हिंदुस्तान बनाने का प्रयास नहीं हो रहा है क्या? आप बता दीजिए, दुकानों पे आप लगवा दीजिए, चले आपकी बात, ढाबों पे आप लगवा दीजिए, चलिए आपकी बात मान ली मैंने, आप उस गरीब, आपको क्या पता है वो आम जहां पे उगा है वो मुसलमान का खेत था, हिंदू का खेत था, दलित का खेत था? बताइए, क्यों स्वामी बसंतानंद जी, आमों की भी कुंडली होनी चाहिए और आमों की भी कुंडली होनी चाहिए, किस खेत में ये आम उगा, किसने बीज बोया, किसने पानी दिया, किसने खाद डाली, कौन ट्रक में ड्राइवर बाजार में लेकर आया, किस किस का हाथ लगा, बताए कर दूं अली कबीर जो बूचड़ खाना है। लेकिन प्रतीक जी पहले कंप्लीट कर लेते, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं। नहीं, दस सेकंड में अभी स्वामी जी कह रहे थे कि ऐसा कोई नाम बता दीजिए जो कोई जो मुसलमान के नाम पे बूचड़खाना चला रहा हो, तो मैं बता देता हूं, अल कबीर नाम का बूचड़खाना है जो रुद्रम मेंढक जिले के रुद्रम गार्ड में 400 एकड़ में है, उसके जो मालिक का नाम है वो सतीश सबरवाल है।
बताइए। नहीं, निश्चित तौर पर हम यही कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर रविंदर जी हम कह रहे हैं दो अपनी पहचान नहीं छुपाए, ये सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, ये हिंदू भाइयों के लिए। अरे आप आम को भी हिंदू मुसलमान कर दिया, आप केले को भी हिंदू मुसलमान कर दिया, आपने अमरूद को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। बताइए हिंदू भगवान को, मतलब आपने बताइए केला आजकल हिंदू मुसलमान हो गया है, आम आजकल हिंदू मुसलमान हो गया है, अमरूद आजकल हिंदू मुसलमान हो गया है। बताइए ये इनकी सामंती सोच है, ये चाहते हैं अगर कोई दलित समाज का आदमी अगर बेच रहा है तो उससे कोई हिंदू खरीदे नहीं, स्वर्ण हिंदू खरीदे नहीं। सर गलत चाहते हैं वाला। स्वामी जी, मैं आपसे जवाब ले रहा था, मैं आपसे जानना चाह रहा था, मतलब आप जो है अब जो है अन्न की, फलों की, सब्जियों की भी कुंडली मतलब साथ में नत्थी रहनी चाहिए जब बाजार में जाए, तो क्या उनकी इतिहास है, कहां जन्म लिया सर, बात क्या क्या किस कुल में पैदा हुए। हाँ, धर्म विरोधी कोई भी कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसमें कोई दोहरा नहीं है। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि प्रशासन यदि अच्छी सुव्यवस्था चलाने के लिए यदि कोई कदम उठाता है तो उसको सराहना चाहिए, उसके लिए हिंदू और मुसलमान करने का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यदि कोई भी गलत काम करता है तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, और सरकार जब नया काम करता है तो हंगामा खड़ा तो होना ही है, ये तो स्वाभाविक स्थिति हिंदुस्तान की है। यदि सरकार नया कार्य करती है इस समय में जो भी कठिनाई आती है, चाहे कांग्रेस के, ये कांग्रेस से प्रतीक जी हैं, उनका कहना है कि दो हिंदुस्तान बनाने की कोशिश है, इससे वो कह रहे हैं कि दो हिंदुस्तान हो जाएंगे इससे। हिंदुस्तान तो अखंड था, हिंदुस्तान अखंड है और हिंदुस्तान तो अखंड ही रहेगा, चाहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये सोच का प्रश्न है। अरे सोच ऐसी करेंगे तो नहीं चले, बाकी तो सनातन का कार्य है और सनातन सदैव चलता आया हुआ है, इसमें दो राह नहीं है, कोई भी दूसरा राज्य दूसरा राष्ट्र बन नहीं सकता है, ये तो इनकी सोच है और सोच से भ्रमित लोग हैं, और भ्रमित लोग कुछ भी कह सकते हैं, वो इनकी सोच है। मेरा प्रश्न तो यहाँ है कि सरकार यदि कोई क्रिएटिव और न्यू एक्शन इम्प्लीमेंटेशन करता है ऐसे समय में, वी हैव टू सपोर्ट देम। अब्दुल लतीफ जी, बाल मुकुंदाचार्य विधायक के इस मांग का अगर सरकार संज्ञान में लेते हुए सपोर्ट करती है तो फिर आपका, आपके समाज का क्या नजरिया रहेगा इस पर? सर संत समाज में अब्दुल लतीफ हूं तो हम संत समाज तो सीधा चाहते हैं। स्वामी जी, अब्दुल लतीफ जी से पूछा है सवाल, वो जवाब दे रहे हैं। हाँ जी लतीफ जी, पूछिए क्या पूछना। नहीं, लतीफ जी से मैंने सवाल पूछा है, लतीफ जी बताइए। अच्छा पूछिए जी, दोबारा बताइए क्या पूछ रहे हैं। मैंने ये कहा कि ये जो विधायक जी की तरफ से, स्वामी सुबोधानंद सरस्वती की तरफ से सवाल रखा गया, मांग रखी गई, अगर सरकार इस पर अमल करती है, प्रशासन इस पर अमल करता है, तो फिर आपका क्या इस पर नजरिया रहेगा, आपके समाज का? देखिए मेरा नजरिया साफ है कि पहली चीज तो सरकार को ये करना ही नहीं चाहिए, और दूसरी चीज विधायक जी को बारे में पब्लिक जानती है कि विधायक जी जो हैं वो क्या सोच इनकी है और किस तरह से ये सोचते हैं, और क्या इन्होंने विधायक बनने से पहले इनके चरित्र, इनके मामला सब जानती है पब्लिक, और विधायक बनने के बाद इन्होंने जो काम किए हैं वो पब्लिक में नफरत की, भाईचारे की तरह नफरत बांटने के काम करते हैं। तो नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फैसला लिया ना, मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फैसला लिया, और बीजेपी के हमारे मेहमान भी ये बता रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। चरण जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये मोहब्बत बढ़ाए, मेरे बहुत मिलने वाले अजीज मित्र हैं ये, और मैं चाहूंगा कि इनको खुदा सद्बुद्धि दे, ये भाईचारे की बात करें। तो शैलेंद्र जी बताइए, अभी आपने शुरुआत में कहा था कि भाई ऑफिशियल जब तक नहीं आ जाता स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि समर्थन करें या नहीं करें, लेकिन आपने जितनी बातें कही आपकी बातों से यही हुआ कि बाल मुकुंदाचार्य ने, मैं बार बार माफी चाहूंगा कि मैं नाम गलत ले रहा था, बाल मुकुंदाचार्य जी ने यह कहा। हाँ बोलिए शैलेंद्र जी, कब तक अमल में हो जाएगा ये? मैं ये कहना चाहता हूं अब्दुल लतीफ जी से, मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि पहचान छुपा के व्यापार करने की क्या आवश्यकता है, ढाबे होटलें खोलने की क्या आवश्यकता है? हम ये नहीं कह रहे आप व्यापार करिए, लेकिन पहचान छुपा कर मत करिए, ये हमारी बात है। और कानून 2006 में यूपीए सरकार ने बनाया था, और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भी इसका समर्थन किया है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह धार्मिक शुचिता का मामला है। आपने कहा राइट प्रतीक जी, बस लास्ट कमेंट 10 सेकंड में आपका भी कंप्लीट कर दीजिए, बताइए अगर सरकार की तरफ से ये विधायक की कही हुई बात पर अमल किया जाता है, प्रशासन की तरफ से फैसला होता है, फिर कांग्रेस क्या करेगी?
नहीं, अब ये सरकार का मानना है, सरकार जो करे वो करे, लेकिन पहले बाल मुकुंदाचार्य जी को बोलिए कि वो अपना असली नाम जनता के सामने रखें। पहले अपना उपाधि दी गई है, अगर आपको जानकारी हो तो वो तो उपाधि होती है, अपना नाम ना छुपाएं वो। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का कहना चाहता हूँ, क्योंकि सभी का अपना अपना तर्क हो सकता है, अपनी अपनी बात हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तीज त्योहार और पर्व शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द वातावरण में संपन्न हो, तभी गंगा जमुनी तहजीब बची रहेगी। इसके लिए जो फैसले सरकार को लेने हैं वो स्वतंत्र है, क्योंकि पब्लिक ने उनको चुना है, लेकिन कहीं से भी इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि समाज में खाई इससे पैदा ना हो। फिलहाल पांच का प्रहार में आज।